अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स फॉर यू। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं पहले आपके साथ अपनी थोड़ी सी सुबह की रूटीन शेयर करूंगी, उसके बाद रेसिपीज़ फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी सुबह 10 बजे का टाइम है और मेरी कोशिश होती है कि मैं मेट के आने से पहले पहले अपने किचन के काम सारे निपटा लूँ, यानी शेल्फ वगैरह साफ़ कर लूँ और जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह होते हैं तो वो भी मैं धो के बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, ताकि फिर मेट के साथ मिलके मैं घर की सफ़ाई करवा सकूं। क्योंकि डस्टिंग वगैरह है तो मैं ख़ुद करती हूं और सफ़ाई झाड़ू पोछे के लिए जो है वो मेड आती है। तो मैं अभी शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर रही थी किचन की, और शेल्फ़ वगैरह या तो मैं डेटॉल क्लीनर से साफ़ करती हूं, और अगर क्लीनर जैसे कभी ख़त्म हो जाए तो घर में ना हो तो फिर मैं लेमन मैक्स डाल के और टॉवल जो है गीला करके उससे साफ़ कर लेती हूँ। तो शेल्फ़ मेरी बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं और बाकायदा आप देख लेंगे कितनी चमक है इनके अंदर अभी भी ना। और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने वॉश करे, ताकि मीट के आने से पहले पहले मैं इन कामों से बिल्कुल फ्री हो जाऊं। और जो है उसके बाद फिर जो है मैं अपना नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि रात को मेरी अम्मी आई थी तो उनको मैंने रोक लिया था, और छोटा भाई, तो उनके लिए भी मुझे नाश्ता बनाना था। और रात को हम अम्मी से बातें करते हुए हमें टाइम का पता ही नहीं चला, 4 बज गए हमें बातें करते करते। तो मैं उठ गई थी जल्दी, लेकिन अभी वो लोग सो रहे थे और बच्चे भी मेरे अभी दोनों सो रहे थे। तो बस ये है कि अभी ये किचन से फ्री होके बस फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैंने सिंक वगैरह अच्छे से वॉश किया, वाइपर किया, और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाने के लिए रखी। और अम्मी और भाई भी उठ गए थे मेरे, तो फिर मैंने अपना और उनका नाश्ता बनाना शुरू किया। और बच्चे मेरे सो रहे थे दोनों, वो अभी नहीं उठे थे, ज़ाहिर है लेट सोए थे तो फिर वो लेट ही उठेंगे। तो फिर मैं अपना अम्मी का और भाई का नाश्ता बना रही थी, पराठे। मेरी अम्मी मेरे घर बहुत कम आती हैं रहने के लिए, मेरी छोटी बहनों के यहाँ चली जाती हैं, तो इस बात पे मैं उनसे नाराज़ भी हो गई थी कि आप उनके घर चली जाती हैं, मेरे यहाँ नहीं आती। तो फिर वो कहेंगी नहीं मैं नेक्स्ट वीक आऊँगी, तो फिर वो इस वीकेंड पर मेरे घर आई थी और मैं नाश्ता बना रही थी। तो फिर मुँह वगैरह वॉश करके फिर वो अम्मी भी मेरे साथ नाश्ता बनाने शुरू हो गई। वो कह लेंगे तुम जल्दी से अंडे वगैरह फेंटो और चाय वगैरह रेडी करो, पराठे मैं बनाती हूँ। तो फिर मैं अम्मी के साथ बातें भी करती रही। मैंने कहा अम्मी, शादी से पहले वाला वक्त याद आ गया, क्योंकि अम्मी और मैं दोनों किचन में हम साथ काम करते थे। और जो है शादी के बाद समझे पहली बार मैं और अम्मी इस तरह एक साथ नाश्ता बना रहे थे और हम पुरानी बातें सारी याद कर रहे थे। तो मुझे इस तरह उनके साथ नाश्ता बनाना बहुत अच्छा लगा। और 1 से 2 बंदे होते हैं तो काम करने में बहुत मज़ा आता है, ख़ास तौर से अगर अम्मियाँ या कोई आपकी बहन ऐसी हो जिनसे आप बहुत फ्री हो। और ये मेरा छोटा भाई है, ये भी हमसे ऐसी मजाक कर रहा था वहीं पीछे खड़ा हुआ किचन में। तो बस फिर हम बातें करते जा रहे थे और नाश्ता बनाते जा रहे थे, नाश्ता भी हमारा बातों बातों में बन गया। पराठे अम्मी ने बना लिए फटाफट, और फिर मैं उधर चाय वगैरह रेडी कर रही थी, मैंने कपों में चाय निकाली। फिर चाय वगैरह रेडी करने के बाद फिर मैंने एग फ्राई करे, हाफ फ्राई, क्योंकि अम्मी और भाई ने कहा कि हम हाफ फ्राई एग खाएंगे, और मैंने अपने लिए काली मिर्चों का एग बनाया था। तो फिर ये नाश्ता हमारा रेडी हो गया था। अच्छा, कप चाय मैंने 4 कपों में निकाल ली थी, मैं समझी शायद मेरी बेटी उड़ गई, लेकिन वो उठ के दोबारा सो गई थी। तो फिर यहाँ पे मैं समझी कि उठ गया, मैंने 4 कपों में चाय निकाली, और फिर बातों बातों में हमारा नाश्ता रेडी हो गया। फिर हम तीनों ने साथ बैठ के नाश्ता किया। फिर नाश्ता करने के बाद मेड आ गई थी, उसके साथ मिलके मैंने सफाई करवाई, और फिर सफाई वगैरह से फ्री होके मैं किचन में आई। और दोपहर के खाने में आज मैं बना रही थी चिकन पुलाव और लबे शीरी। तो फिर लबे शीरी के लिए मैंने सबसे पहले जेली रेडी करी। अच्छा, जेली मैंने 3 कलर की बनाई थी, रेड, येलो और ग्रीन। क्योंकि जेली को जमने में टाइम लगता है रूम टेम्परेचर पे, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं मीठा तैयार कर लूँ, ताकि मीठा तैयार करके फिर मैं उसको फ्रिज में रख दूँ, ताकि जब हम दोपहर का खाना खाएँ तो वो ठंडा हो जाए अच्छे से। और फिर यहाँ एक एक करके मैंने तीनों जेलियों को रेडी कर लिया था।
अभी तीनों जेलियाँ जो हैं रेडी हो गई थी, फिर इनको मैंने किचन में ही साइड पर रख दिया कि रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने पतीली में दूध लिया, और दूध मैंने 1.25 लीटर लिया था, और ऑल पर्स के पाव वाले 5 लिए थे मैंने पैकेट, तो ये 1.25 लीटर दूध हो गया। जब तक दूध बॉयल हो रहा था तो फिर मैंने जो है कस्टर्ड पाउडर लिया, और कस्टर्ड पाउडर के 4 टेबल स्पून जो है मैंने पानी में घोले, और फिर जब दूध बॉयल हो गया तो फिर मैंने उसके अंदर पहले चीनी ऐड करी अपने टेस्ट के मुताबिक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है मीठा रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो हमारे यहाँ बस नॉर्मल मीठा खाया जाता, क्योंकि ना मैं ना मेरे बच्चे, हम लोग बस नॉर्मल मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। उसके बाद फिर मैंने 4 टेबल स्पून इसमें रोज़ वाटर ऐड किया, और उसके बाद फिर मैंने जो कस्टर्ड पाउडर पानी में घोला था वो ऐड किया। अच्छा, 1.25 लीटर के लिए 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल ठीक रहा, और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लबे शीरी वाली थी, क्योंकि मैं लबे शीरी बना रही थी। फिर जब तक कस्टर्ड हमारा रेडी हुआ लबे शीरी का, तो मैंने दूसरे चूल्हे पर जो है ये कलरफुल सेवइयाँ 1 कप के बराबर उनको बॉयल किया, और फिर इनको स्ट्रेन करने के बाद फिर मैंने बादाम और पिस्ते उनको जो है काटा, और एक पैकेट जो है मैंने ऑल पर्स की क्रीम ली थी, और एक टीन जो है मैंने कॉकटेल का लिया था। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जेली ये 3 कलर की, बादाम लिए थे मैंने, पिस्ते लिए, और कॉकटेल का एक टिन लिया था, और 1 कप सेवइयाँ थी कलरफुल, और फ्रूट भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रूट्स ऐड नहीं करे थे। लबे शीरी का मिक्सचर हमारा रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया था, तो फिर इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड करी, कॉकटेल ऐड किया, और उसके बाद मैंने बादाम और पिस्ते ऐड करे। अच्छा, बाउल मुझे जो है छोटा पड़ गया था, फिर मैंने उसे बड़े बाउल में शिफ्ट किया, जब मैंने सेवइयाँ डाली ना बिल्कुल फुल हो गया, तो फिर मैंने इसे बड़े बाउल में शिफ्ट करके मिक्स किया। अब इसके अंदर मैं 1 पैकेट जो है क्रीम का ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं, ऑल पर्स की, मिल्क पैक की, या हलीब की, तो मैंने ऑल पर्स की क्रीम यूज़ करी थी इसमें, और चॉकलेट चिप वगैरह भी आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने डिश आउट किया। ये देखें कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी थी, और ये बहुत मज़े का हमारा बना था लबे शीरी। और जेली मैंने अंदर नहीं डाली थी, जेली को मैंने ऊपर से डेकोर किया था। डिश आउट करने के बाद फिर मैंने जेली ऊपर से सारी डेकोर कर दी थी। फिर इसको मैंने क्लिंग शीट से रैप करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हमने ये दोपहर के खाने में खाना था, तो इसलिए मैंने इसको लबे शीरी को पहले रेडी किया, और फिर क्लिंग शीट से रैप करके मैंने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसके बाद फिर मैंने यखनी तैयार की पुलाव की। यखनी के लिए मैंने चिकन 750 ग्राम लिया था, और एक मेहरान पैकेट लिया था यखनी पुलाव मसाला, और चिकन को वॉश करके मैंने पतीली में पानी डाला जितनी मुझे यखनी चाहिए थी उसके मुताबिक, और मेहरान का यखनी पुलाव मसाला ऐड किया, और 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, और इसको पकने के लिए रख दिया कि जब तक चिकन गल जाए। चिकन वैसे भी जल्दी गल जाता है, जब तक ये यखनी बन रही थी, तो फिर मैंने चावलों को वॉश करके, चावल भी मैंने 750 ग्राम लिए थे 3 कप, और जब तक यखनी रेडी हुई जब तक मैंने चावलों को वॉश करके और जो है भिगो दिया था। अच्छा, चावल मैंने जो है बासमती लिए थे। उसके बाद फिर मैंने 1 पतीली में ऑयल लिया हसबे ज़रूरत, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काट ली थी, उसको ब्राउन किया। प्याज को हमने फुल ब्राउन करना है। और एक चूल्हे पर यखनी रेडी हो रही थी, मैंने कहा दूसरे चूल्हे पर मैं जल्दी से इसका मसाला रेडी कर लूँ, तो जब प्याज ब्राउन हो गई तो फिर मैंने इसमें चिकन निकाल के उसको फ्राई किया। अच्छा, यखनी में से हमने गरम मसाले स्ट्रेन कर लेने हैं, खाली हमने यखनी डालनी है छान के, तो मैंने स्ट्रेनर से चिकन निकाल के इसको फ्राई किया,
और 5 से 6 हरी मिर्चें काट के वो ऐड करी। आप चाहें तो हरी मिर्च का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काट के डाली थी। और यखनी को और हरी मिर्चों को अच्छे से फ्राई किया ताकि हरी मिर्चों की खुशबू और टेस्ट जो है ऑयल में आ जाए। और 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें यखनी ऐड करी और गरम मसाला वगैरह सारा रिमूव कर दिया था मैंने यखनी में से। फिर यखनी ऐड करने के बाद जब इसमें बॉयल आ गया तो फिर मैंने इसमें चावल ऐड करे जो मैंने वॉश करके भिगोए थे। और फिर नमक आप टेस्ट कर लें, फिर अगर कम हो तो आप डाल लें। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक रखा था नमक। और फिर मैंने इसको हाई फ्लेम पे चावलों का पानी खुश कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने केवड़ा लिया ज़ाफ़रानी 3 टेबल स्पून और उसमें जर्दे का रंग ऐड किया। केवड़ा आप जो चाहें वो ले सकते हैं, मैंने ज़ाफ़रानी लिया था। और फिर मैंने इसको जर्दे का रंग इसमें घोला और फिर पुलाव को दम पे रखते वक्त फिर मैंने इसको ऊपर से डाल दिया। ऐसा केवड़े से पुलाव में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी। और फिर फ्राइड अनियन मैंने ऊपर से डाली और चावलों को 10 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया। और खाना रेडी करते करते दोपहर का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने इसे डिश आउट करके दोपहर का खाना लगा लिया था। ये देखें पुलाव हमारा रेडी है, चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और ये बहुत मज़े का बना था पुलाव। तो फिर मैं इसे डिश आउट करूँगी क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, तो साथ के साथ मैंने खाना भी लगा लिया था। और बच्चे भी उठ गए, तो समझे बच्चों का नाश्ता दोपहर का खाना एक साथ ही हो गया था। फिर हमने साथ बैठ के सम चारों पाँचों ने खाना खाया और ये बहुत मज़े का पुलाव बना था। आज का ब्लॉग और रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।